तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य समय में बहुत ही अच्छा टॉपिक, अच्छा क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही नया क्वेश्चन है। इसको हम लोग समझेंगे कि आसानी से इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमारे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिनों में करते हैं, जबकि 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 4 दिनों में करते हैं, तो 7 आदमी और 10 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए पहले एक फार्मूला होता है, फार्मूला ही बोल सकते हैं इसको, जैसे लिख देंगे M1 D1 H1 बटा में W1, इसको लिख सकते हैं M2 D2 और H2 बटा में W2। M1 का मतलब होता है मैन, आदमी, मतलब आदमी की जब लड़का भी हो सकता है, ठीक है, मजदूर भी हो सकते हैं, ठीक है, आगे देखिएगा। और D1 का मतलब पहला दिन, और H1 का मतलब हाफ मिनट घंटा, पहला घंटा है, और यहाँ पर M2 का मतलब दूसरा व्यक्ति, और D2 का मतलब दूसरा दिन, और H2 का मतलब दूसरा घंटा, W2 का मतलब दूसरा कार्य। क्लियर है? अब देखिए क्या करना है। कह रहा है कि यदि 12 आदमी और 16 लड़के, 12 आदमी हैं, चलिए तो इसके लिए हम लोग रखते हैं 12। यंग का मतलब समझिएगा मैन, मन में आदमी, और कितने लड़के हैं, और कह रहा है कि 16। बी का मतलब बॉय समझिएगा। क्लियर है? कह रहा है कि 5 दिन में कार्य को कर दे रहे हैं, कितने दिन में, गुणे 5, सही है। चलिए बराबर चलते हैं, बटा में दीजिए। W1 का मतलब होता है पहला कार्य, तो काम कितना, एक ही है, एक हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, देखिए कह रहा है M2 अब कितना हो जाएगा, कह रहा है कि जबकि 13 आदमी और 24 लड़के, 13 आदमी अर्थात हो जाएगा यहाँ पर 13 M प्लस 24 वाह, कितने दिन में काम करते हैं, कह रहे हैं 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 4 दिनों में कर देते हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं। क्लियर है? और बटा में हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही कार्य है, उसी को काम करना है। क्लियर है? अब देखिए तो आगे पूछ रहा है कि बताइए कि 7 आदमी और 10 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, बाद में इसके बाद इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए इसको सोल्व करते हैं, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 25 60 प्लस 16 25 80 बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये 54 52 प्लस हो जाएगा 54 64 66 69 क्लियर है? अब देखिए मैन को मैन की तरफ कर देते हैं और बॉय को बॉय की तरफ कर देते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 यम। क्लियर है? इधर जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 16 बॉय। क्लियर है? कटाइए इसको, कटा देंगे तो अर्थात 1M = 2B। इसका मतलब समझ लीजिए कि एक आदमी 2 लड़कों की क्या है, बराबर है। क्लियर? कह रहा है कि एक आदमी 2 लड़कों की क्या है, बराबर है। अब देखिएगा, अब इसमें से या तो आप इधर वाला भाग उठाइए या तो इधर वाला भाग उठाइए, दोनों में आंसर सेम आएगा, आप किसी को भी सोल्व कर सकते हैं, उठा सकते हैं। चलिए हम लोग इसी को उठाते हैं, इसको उठाएंगे और इसके साथ सोल्व करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि एक आदमी जो है 2 लड़कों के बराबर है, अब एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, 13 12 आदमी है, तो 12 आदमी है तो कितने लड़के हो जाएंगे, 24 लड़के हो जाएंगे। देखिए सवाल को हमको एक भाग में बदल के लगाना होगा, या तो दोनों तरफ लड़के हो या तो दोनों तरफ आदमी हो, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हम चाह रहे हैं सवाल को लड़कों में बदल के लगा दें, तो यहाँ पर दिया है कि 12 आदमी हैं, तो हम इसको लड़कों में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 लड़के हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 24 B प्लस पहले से 16 B दिया हुआ है। क्लियर है? पर दिन में 5 दिन में। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 7 आदमी, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लड़के हैं और यहाँ पर आदमी दिया है, तो आदमी को लड़कों में बदल देते हैं। तो कह रहे हैं कि 7 आदमी का मतलब कितने लड़के, 14 लड़के, तो लिख देंगे 14 B प्लस, कह रहा है कि 10 लड़के पहले से दिया हुआ, कह रहे कितने दिन में करेंगे काम को, हम मानते हैं कि X दिन में करेंगे, कितने दिन में,
एक्स में करेंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा, इसको पहले जोड़ लेते हैं, 10 3 1 4 बी हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, क्लियर है। आगे चलते हैं, देखिए इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2, गुणे हो जाएगा x, क्लियर है। अब देखिएगा b से b खत्म, 8 से कटाइए, 8 लिखे 24, 8 5 40, 8 5 कितना हो जाएगा, 8 से कटाएंगे तो हो जाएगा, किससे कटाए हम लोग, देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कटा रहे हम लोग 8 से कटाते हैं, 8 लिखे 24 हो गया है, 8 5 40, क्लियर है। चलिए इसका इसमें उड़ा करिए कितना हो जाएगा, 25 और यहाँ पर हो जाएगा 25 बराबर 3x, बटा में करिएगा, x बराबर हो जाएगा 25, हम ऊपर लिख दे रहे हैं इसको, इधर लिख दे रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा, x बराबर हो जाएगा 25 बटा में 3, इसको कटाइएगा, x बराबर 3 8 है 24, यानी कि 8 सही 1/3 दिन में हमारा कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, यदि हम इसको लेके चले हैं तो कितना आंसर है, 8 से 1/3, आप इसको भी लेके चलेंगे तो वही आंसर आएगा, आप इसमें से किसी को लेकर चलेंगे, किसी के साथ में सोल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा, क्लियर है। आप इस नियम का प्रयोग करके आसानी से आप वीडियो को सवाल को लगा सकते हैं। यदि हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, थैंक फॉर वॉचिंग।